हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बना के लाए हैं। तो इसमें से हमने प्रीवियस वीडियो है उसमें 8 क्वेश्चन हम कर लिए थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है उससे रिलेटेड हमने बात की है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे और आगे क्वेश्चनों की। क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट 2 हम बात करेंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम बात यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बोरा वस्त्रावरण। वस्त्रावरण का मतलब क्या होता है उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए क्या होता है उससे रिलेटेड बात करते हैं, सबसे पहले समझा देते हैं आपको। देखिए क्या बताई गई है बात यहां पर क्या है कि सबसे पहले कृत्रिम संकरण के लिए किसान जो लोग होते हैं वो कृत्रिम संकरण की जब प्रक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो उस समय समझो कि कोई प्लांट है और प्लांट का जो फ्लावर है, इस फ्लावर में यदि यह जो प्लांट है, प्लांट का फ्लावर, और फ्लावर में यहां से ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुंकेसर को, और ये अंडप को रिप्रेजेंट कर रहा है स्त्री केसर को, तो यहां से फोर्सेप की सहायता से और चिमटी की और सीजर यानी कैंची की सहायता से इसको काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है विपुंसन, ठीक है। विपुंसन क्या है कि जब किसी फ्लावर के यानी परागकण और परागकोष को काट कर अलग कर दिया जाता है कृत्रिम रूप से, तो उस प्रक्रिया को नाम दिया गया है विपुंसन, पुंसन रहित यानी पुंकेसर रहित, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, कृत्रिम परागण करवाया जाएगा कि यहाँ पे परागकणों को यहाँ पर किसके ऊपर, वर्तिकाग्र पर पहुँचा दिया गया। तो ये जो प्रोसेस अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है भाई, ठीक है, यानी किसी बोरी या किसी थैली वगैरह से इसको क्या कर दिया जाता है, इसको चारों ओर से आवृत कर दिया जाता है। तो इसी तकनीक को नाम दिया गया है यहाँ पे क्या, बोरा वस्त्रावरण क्या है उसके बारे में डेफिनेशन क्या होगी कि विपुंसन की क्रिया के पश्चात अवांछित परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को रोकने के लिए, अवांछित परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण से रोकने के लिए जो प्लांट है, जो फ्लावर है, उसको किसी पॉलीथीन से, किसी कपड़े से या किसी आवरण से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है बोरा वस्त्रावरण, यानी बोरा वस्त्र तकनीक, बैगिंग टेक्निक नाम दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे परागकणों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। देखिए वही बात यहाँ पे है कि अच्छी क्वालिटी वाले यानी अच्छी गुणवत्ता वाले जो परागकण होते हैं तो वही कृत्रिम संकरण से रिलेटेड ही है यहाँ पे। तो अच्छी गुणवत्ता वाले परागकणों को पराग बैंकों के अंदर संरक्षित करके रखा जाता है। तो परागकणों का जो संरक्षण है वो द्रव नाइट्रोजन में, ठीक है। अब नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन का वो कैसे होगी भाई, 196, ठीक है, -196 पर लिक्विड नाइट्रोजन में क्या है, परागकणों को रखा जाता है, यानी द्रव नाइट्रोजन में रख कर इनको क्या कर दिया था भाई, संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है भाई। क्यों किया गया ऐसा भाई, सीधी सी बात है, अच्छी क्वालिटी वाले परागकण हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। दूसरा यहां पर रखा है अंकुरित परागकणों की पराग नलिका में केंद्रकों की संख्या बताइए। तो केंद्रकों की जो संख्या होती है अंकुरित परागकण, मतलब आपको यहां पर समझना है कि मेल गैमेटोफाइट का एग्जांपल देखो, जैसे समझोगे आप एक चीज समझिए,
देखिए जब परागकणों का अंकुरण होगा, जब परागकणों का अंकुरण कहां पर होगा भाई, वर्तिकाग्र पर, और ये पराग नलिका में जाएगी ऐसे, ठीक है। तो पराग नलिका का विकास जो है वो, यानी पराग नलिका निकली कहां से है, यानी इंटाइन्स या यहां पर बाहर निकल गई। इंटाइन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। कौन से भाग से निकली, जनन छिद्र से। तो यहां पर क्या होते हैं कि एक तो जनन कोशिका के दोनों नर युग्मक, यानी जनन कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है, यानी दो केंद्रक बनाएगा। तो एक तो ये और एक कायिक कोशिका का केंद्रक। तो केंद्रक कितने हो गए, एक तो कायिक केंद्रक और एक क्या है भाई, ये नर युग्मक, इनको बोलते हैं जनन केंद्रक। नर जो जनन कोशिका है उसके केंद्रक विभाजित होकर कितने बनाते हैं भाई, दो नर युग्मक बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सीधे सीधी बात, हमारे पास आंसर जो आया है वो क्या आया है, हमारा आंसर यहाँ पर ये आया है कि जो पराग नलिका है, ठीक है, यानी अंकुरित पराग, अंकुरित परागकणों के पराग नलिका, अंकुरित परागकणों की पराग नलिका जो है, उस पराग नलिका में केंद्रकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, तीन होगी। तीन कैसे होगी, एक तो क्या होंगे, एक तो कायिक केंद्रक और एक क्या होंगे, दो नर केंद्रक या नर युग्मक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि परागकण एलर्जी उत्पन्न करने वाले एक पादप का उदाहरण। देखो ये क्वेश्चन नंबर दो और ये क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो क्या है भाई, पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक। देखिए ये क्या होते हैं कि परागकण जो होता है ना, उसकी टेपिटम के द्वारा कुछ प्रोटीन स्रावित की जाती है। जब परागकण क्या है बाहर, इस यानी एक तरीके से परागकण जब बाहर निकल जाते हैं तो जब ये वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो किसी, यानी एक तरीके से एलर्जी उत्पन्न करते हैं, सेंसिटिव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले का जो कारक है, पराग एलर्जी, परागकण से जो एलर्जी उत्पन्न होगी उनके पादप का उदाहरण है यहाँ पे, देखिए पार्थेनियम या गाजर घास, पार्थेनियम या उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है भाई, गाजर घास, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, परागण जो परागण है, परागण की क्रिया में, परागण की क्रिया में सह उपकारिता का दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले आपको यहां पर एक वर्ड जो लिखा हुआ है, क्या, सह उपकारिता, यानी परागण की क्रिया में जो परागण की क्रिया संपन्न होती है उसमें सह उपकारिता का उदाहरण। सह उपकारिता का मतलब क्या होता है कि जीवों में होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सह उपकारिता। तो देखिए दोनों जीवों को लाभ प्राप्त हो तो इसका, यानी पांचवी क्वेश्चन है उसका आंसर देखो, एक तो एमोर्फोफेलस नामक पादप है, वो क्या होते हैं कि इतने बड़े और इतने लंबे होते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर क्या है, पक्षियों के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, ठीक है। तो एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस पादप के जो पुष्प होते हैं, ठीक है, एमोर्फोफेलस पादप और दूसरा इसका क्या हो गया भाई, पक्षी। तो देखो इनमें दोनों को, दो दोनों जीव हैं, पक्षी तो क्या करेंगे कि इस पादप के फ्लावर जो है, पुष्प है, उसके अंदर क्या देंगे, अंडे देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं ऊंचाई तक। तो क्या है, किसी दूसरे पक्षी के द्वारा, किसी दूसरे जीवों के द्वारा ये, यानी सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और पक्षी इस पादप के लिए क्या काम करेगा, इस प्लांट के फ्लावर के लिए कौन सी प्रक्रिया करवाएगा, परागण की क्रिया संपन्न कराएगा। तो दोनों को क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, दोनों को क्या है, प्रॉफिट प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है यहां पे, शलभ और यूका पादप, यूका पादप और क्या है भाई, शलभ। शलभ क्या करती है, इस पादप के अंदर क्या करती है, अपने अंडे देती है, और इसको क्या, तो वो अंडे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो इस शलभ को तो क्या हो गया, इससे लाभ प्राप्त हो गया। ये शलभ क्या काम करता है, इसको पोलिनेशन, परागण की क्रिया संपन्न कराता है। तो यही तो थी,
नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवी क्वेश्चन के बाद में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है। तो पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है उससे उसको बताने से पहले एक बार ये क्वेश्चन है उनको आप रिवाइज करो, अभी बताते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे परागकण संरक्षण की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन क्या है और उससे रिलेटेड यानी किस प्रकार प्रक्रिया संपन्न होगी वो बताते हैं। देखिए क्या होता है उससे रिलेटेड, देखिए बात है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण, देखिए पराग स्त्री केसर संकर्षण का मतलब क्या है कि ये कब होती है प्रक्रिया, जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो गई। परागण की प्रक्रिया में क्या हुआ भाई, परागण की प्रक्रिया में ये हुआ है कि जो परागकण है वो कहां पर पहुंच गए, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। और जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो परागकण और वर्तिकाग्र जो वर्तिका होती है उस वर्तिकाग्र के अंदर या स्त्री केसर के बारे में बात करेंगे उसके अंदर क्या होता है, कुछ बातचीत होती है, कुछ संवाद होते हैं। और इस संवाद की सफलता के कारण यानी इन दोनों के अंदर जो इंट्रैक्शन होता है, इस इंट्रैक्शन के कारण अगर वो इंट्रैक्शन सफल हो जाता है तो परागकणों का क्या होगा, अंकुरण होगा। डेफिनेशन क्या होती है वो बताते हैं। डेफिनेशन क्या है कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण से लेकर परागकणों का ओव्यूल यानी बीजांड में प्रवेश करने तक की घटना, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण से लेकर परागकणों का बीजांड में प्रवेश करने तक की जो घटना होती है जिसमें बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, पराग स्त्री केसर संकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या, इसका और ज्यादा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए पराग स्त्री केसर संकर्षण को, तो आप उससे रिलेटेड जो पॉइंट है और उसका डिस्क्रिप्शन जो अपने चैप्टर में बहुत सारे जो वीडियो डाले हैं उसके अंदर आप देख सकते हो। नारियल का जो पानी है, देखिए नारियल का जो पानी है वो, नारियल का पानी की बात करें वो किस भ्रूणपोष का उदाहरण है, तो जो नारियल का पानी है वो किस भ्रूणपोष का उदाहरण है भाई, केंद्रकीय भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो ये वाले हमारे पास जो है सिक्स क्वेश्चन का आंसर था और सेवन क्वेश्चन का आंसर जो है वो है केंद्रकीय भ्रूणपोष। नारियल का पानी किसका उदाहरण है भाई, केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आभासी फल को परिभाषित करो तथा दो उदाहरण दीजिए। देखिए फल का निर्माण निषेचन के पश्चात, निषेचन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो गई, जब निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, ठीक है, जब निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो क्या हुआ भाई, उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आभासी फल। देखिए आभासी फल को परिभाषित करो और उसके दो उदाहरण दो। तो आभासी फल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फल जो है वो निषेचन के पश्चात बनता है और निषेचन के पश्चात बनेगा और किस कौन सी संरचना से बनेगा भाई, अंडाशय से, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात, पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब फल का निर्माण यानी पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फलों को क्या नाम दिया जाता है, आभासी फल। यानी अंडाशय के अलावा, यानी देखो क्या बताया गया, समझने की कोशिश करना, मैंने बताया है आपको कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, आठवां क्वेश्चन है, मैंने बताया है कि जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है तो इसे, देखिए अंडाशय के अलावा ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है तो उसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या बताया गया कि आभासी फल के दो उदाहरण, देखिए जैसे अपन बात करें अखरोट है, स्ट्रॉबेरी है, दो एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक तो मैंने एग्जाम्पल बताया क्या, एक तो अखरोट, ठीक है, और एक मैंने बताया क्या, स्ट्रॉबेरी। ये दोनों ही ऐसे फल हैं जिनका निर्माण जो है, ठीक है, वो किस पे होता है, पुष्प के पुष्पासन से होता है, भाई ध्यान रखना, उसके कौन से भाग से होगा, पुष्पासन से। नेक्स्ट हम अपन बात करते हैं यहाँ पे बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए तथा दो उदाहरण दीजिए। बहुभ्रूणता की परिभाषा क्या है कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाएं तो उस प्रक्रिया को कहेंगे अपन बहुभ्रूणता, ठीक है। अब बहुभ्रूणता का अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, उसने किसके अंदर, सिट्रस कुल के पादप जो संतरे वगैरह जो होते हैं ना उनके अंदर इसका अध्ययन किया था। अब देखिए यहां पर जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न संरचनाओं को विकास के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अब ये निम्न संरचनाएं कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं, जैसे फिर उनको विकास के आधार पर आप व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि निम्न संरचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो ये निम्न संरचनाएं कौन कौन सी है उनको विकास के आधार पर व्यवस्थित करना है, और वो संरचनाएं कौन कौन सी वो देखिए। देखिए मैंने बताया, मैंने लिखा है यहाँ पे कि कौन कौन सी कोशिका है, अब उनका जो है वो विकास के आधार पर लिखना है, तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, किसका विकास हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए जी हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दे रखा है, उसके बारे में बात करें पुंकेसर, तो पुंकेसर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, पुंकेसर के अंदर सबसे ऊपरी पार्ट जो है उसके बारे में बात करें, तो ऊपरी पार्ट जो है वो क्या होता है भाई, सबसे पहले बात करें तो पराग कोश, सबसे पहले संरचना, ठीक है। अब पराग कोश जो है उस पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी में क्या बनेगा भाई, लघु बीजाणु धानी में कुछ कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, विशेष कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं लघु बीजाणु कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा यहाँ पे स्पोरोजीनस, देखो बीजाणु मात्र कोशिकाओं यानी लघु बीजाणु मात्र, लघु बीजाणु जन उत्तक होता है तो उसकी कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो क्या काम करेगी, एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है भाई, लघु बीजाणु क्या बनाएगी, लघु बीजाणु बनाती है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या हो गया ये, दूसरे नंबर पर क्या हो गया हमारे पास, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तीसरे नंबर पर क्या हो गया, लघु बीजाणु से क्या बनेगा, लघु बीजाणु किसमें कन्वर्ट होता है, परागकण, और परागकण से फिर क्या बनता है भाई, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपसे रिलेटेड, इसके दो सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके 8 क्वेश्चन किए थे और सेकंड पार्ट में हमने पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको वो कमेंट्स में बताएं आप, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।